बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम सबक पढ़ चुके हैं इल्म का शौक़, और आज हमने करना है इसका वर्कबुक का काम। सवाल नंबर एक है, अल्फाज के मानी लिखे। इस कॉलम में अल्फाज दिए गए हैं, यहाँ हम इसके इनके मानी लिखेंगे। यहाँ पे पहला लफ्ज़ है हमारा ईजाद। ईजाद के मानी है नई चीज़ तख्लीक करना या बनाना, यानी कोई नई चीज़ बनाना। अगला लफ्ज़ है आलिम। आलिम कहते हैं इल्म रखने वाले को, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स को। इल्म रखने वाला बहुत पढ़ा लिखा शख्स। अगला लफ्ज़ है हमारा सम। सम डायरेक्शन को कहते हैं, जानिब तरफ। सम जानिब तरफ। उससे अगला लफ्ज़ है हिकमत। हिकमत अकलमंदी को कहते हैं, अकल को कहते हैं, अकल दानाई। उससे आगे है तलबा। तलबा के मानी है शागिर्द, और तलबा तालबे इल्म की जमा है। तालबे इल्म की जमा है ये लफ्ज़ तलबा, और इसके मानी है शागिर्द यानी स्टूडेंट। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर दो, जुमले बनाएं। जी बच्चों, यहाँ कॉलम में अल्फाज दिए गए हैं, और अगले कॉलम में हमने इनके जुमले बनाने हैं। दुनिया, दुनिया का जुमला बनाएंगे। इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। जी बच्चों, इसका जुमला क्या होगा? इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। अगला लफ्ज़ है किताबें। किताबें का जुमला बनाएंगे। बैतुल हिकमत में हज़ारों साइंसी किताबें मौजूद थीं। जुमला क्या है? बैतुल हिकमत में हज़ारों साइंसी किताबें मौजूद थीं। अगला लफ्ज़ है ईजाद। ईजाद का जुमला बनाएंगे। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत कुछ ईजाद किया। उससे आगे है इस्तेमाल। इस्तेमाल का जुमला बनाएंगे। अज़हरावी का बनाया हुआ धागा ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल होता है। उससे अगला लफ्ज़ है शौक। शौक का जुमला बनाएंगे। मुसलमानों ने इल्म हासिल करने के शौक की वजह से बहुत तरक्की की। अगले पेज पे हमारे पास सवाल नंबर तीन है, कॉलम से मुनासिब जमा चुनकर लिखें। इस कॉलम में वाहिद दिए गए हैं, इनके जमा इस कॉलम में मौजूद हैं। यहाँ से हमने दुरुस्त जमा को चुन के इस कॉलम में लिखना है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास इल्म। इल्म की जमा है अलूम। उससे आगे है किताब, और किताब की जमा है कुतब। उससे अगला लफ्ज़ है आलिम। आलिम की जमा है उल्मा। उससे आगे है तजर्बा, और तजर्बा की जमा है तजर्बात। उससे अगला लफ्ज़ है ईजाद, और ईजाद की जमा है ईजादात। इल्म, अलूम, किताब, कुतब, आलिम, उल्मा, तजर्बा, तजर्बात, ईजाद, ईजाद।